वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं व्हीकल्स 2.0। तो और मेरे भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज के वीडियो में आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जिसे आप निंजा स्टार का छोटा भाई भी बोल सकते हो, क्योंकि ना तो इस बाइक में आपको नंबर प्लेट मिलते हैं ना ही साइड मिरर, और इस बाइक को 5000 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक का इंजन ही बदलना पड़ता है। ये क्या बात करता है यार? अरे हाँ मेरे भाई लोग, अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर कौन सी है ये बाइक, यार बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना। अब बिना टाइम को वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यार इस बाइक का नाम है BMW की HP4 रेस। नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस बाइक को सिर्फ रेस ट्रैक के लिए बनाया है। इस बाइक को जर्मनी की स्पेशल टीम ने अपने हाथों से बनाया है, यानी कि यह बाइक पूरी की पूरी हैंड बिल्ड है। वेल BMW ने इस बाइक में सेम S1000RR वाली ही इंजन यूज की है। इस बाइक में यूज करी गई 999cc की लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। ये बाइक आराम से 215 bhp के पावर एंड 120 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस बाइक की टॉप स्पीड पता है आपको कितनी है? ये बाइक आराम से 380 km/h की टॉप स्पीड भी अचीव कर सकती थी, मतलब कि यार आज की निंजा स्टार से बस 20 km कम। कंपनी ने इस बाइक की एक्शन प्राइस रखी थी करीब 86 lakh। यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब कि यार ये बाइक आज की निंजा स्टार से भी महंगी आती थी। चलो मान लेते कि 86 lakh देकर आपने इस बाइक को खरीद भी लिया, फिर भी हर 5000 km चलाने के बाद इस बाइक के इंजन को आपको फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। इस बाइक के इंजन को रीबिल्ड करने में पूरे 20 lakh का खर्च आता है। इससे अच्छा कंपनी ये क्लेम करती कि आप एक नया वाला इंजन ही लगा लो, क्योंकि रीबिल्ड इंजन की कॉस्ट भी लगभग सेम ही है एज कम्पेयर टू न्यू इंजन। वेल इस बाइक को BMW ने S1000RR के मुकाबले 30 kg ज्यादा लाइटर बनाया था। इस बाइक का कार वेट था 146 kg। वेल अगर इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो इस बाइक में BMW ने ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हील कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल एंड और भी कई सारे फीचर्स दिए थे। इस बाइक में BMW ने एक्रापोई के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का यूज किया था, इस वजह से बाइक की ओवरऑल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यार जल्दी से ईयरफोन लगा लो, क्योंकि मैं सुनता हूं आपको अब इस बाइक की आवाज। यार कैसी लगी आवाज एक बार कमेंट्स में बताओ, और यार तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो में।